रसोई में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की नई रेसिपी, टेस्टी से मोमोज। मोमोज बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे थोड़ी सब्जियाँ। तो हमने लिया है एक छोटा पत्ता गोभी, उसको हमने कद्दूकस कर लिया साफ करके। अब इसको पहले एक बर्तन में कर देंगे हम। एक शिमला मिर्च और एक गाजर, इसको कद्दूकस कर लिया गाजर को हमने, और शिमला मिर्च को हमने काट लिया बहुत छोटे छोटे पीसों में। अब डालेंगे इसमें हम दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और अदरक और लहसुन को हमने कद्दूकस कर लिया है। 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, सोयाबीन की बरीली है आधी कटोरी, उसको हमने पानी में भिगो दिया था आधे घंटे के लिए गुनगुने पानी में। देखिए बिल्कुल भीग चुकी है। अब इसका पानी इस तरह से हम निचोड़ लेंगे इस प्रकार से, और इसको मिक्सी में डाल करके हम पीस लेंगे। पीस लिया है बरी को, अब डाल देंगे इसको भी। अब डालेंगे इसमें हम नमक, काली मिर्च का पाउडर, सबको मिलाएंगे। इसमें 1 चम्मच तेल भी डाल देंगे, थोड़े से हल्दी के पत्ते भी डाल देंगे। इसको हम एक साइड में रख देंगे। अब इसके लिए हम डो तैयार कर लेंगे। पहले 1 कटोरी मैदा ले लिया, डाल देंगे नमक इसमें। अब पानी की सहायता से एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार कर लिया, उसके ऊपर हल्का सा हम तेल लगा देंगे ताकि सूखे नहीं। अब इसको ढककर के हम रख देंगे। अब हम लेंगे अप्पे पैन, आपको हम थोड़ा सा अलग बना के दिखाएंगे। तो इसमें हम लगा देंगे थोड़ा सा तेल सब में। हम यहाँ भी लगाएंगे ऑयल को। अब हम क्या करेंगे, सब्जियों को निचोड़ लेंगे, इनका पानी बिल्कुल निचोड़ लेंगे कपड़े में बांध करके या चलनी में रख करके। अच्छी तरह से दबा के इनका पानी हम निकाल लेते हैं। पहले इसका पानी निचोड़ लिया हमने कपड़े में बांध करके। डो सेट हो गया है। अब इसकी हम लोई तोड़ लेते हैं। तो हम इसकी बड़ी लोई लेंगे, थोड़ी सी इतनी बड़ी लोई लेंगे। अब इसे गोल करेंगे, इसको हम प्लेटफॉर्म पर ही बेलेंगे, चकले पे नहीं बेलेंगे, थोड़ा सा बड़ा बेलना है इसलिए। थोड़ा सूखा आटा लगा लेंगे ताकि बिलने में बिल्कुल आसानी रहे। देखिए अब अच्छे से बिल जाएगी। हमने बिल्कुल पतला बेला है, जिस तरह मोमोज बेलते हैं उसी तरह से बेलना है पतला है इसको हमें। अब हम एक प्लेट लेंगे, थाली लेंगे, और इस पे रख करके इसे बराबर से काट देंगे। अप्पे पैन से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए थाली। हम इसको उठाएंगे और इसको रखेंगे हम अप्पे पैन के ऊपर। और इसमें इस तरह से हम कर देंगे गहरा थोड़ा सा।
हम सब्जी को भरेंगे इन सब में, अच्छी तरह से भर देंगे। हम एक लोई और बेल लेंगे, इतनी बड़ी भी डाल देंगे, बेल लिया हमने इस तरह से। इसको ऐसे करके चिपका देंगे। हमने एक बर्तन में पानी गर्म करके रख दिया पहले से ही, देखिए पानी गर्म हो गया है। अब इसको हम स्टैंड को ऐसे करके रख देंगे और ऊपर से इसको हम ढक देंगे और मीडियम गैस पे इसको हम 10 मिनट के लिए बनने देंगे। अब बनाएंगे हम मोमोज चटनी। जब तक हमारे मोमोज स्टीम हो रहे हैं तो उसके लिए हमने लिए लाल मिर्च, सूखी वाली नहीं है, जो लाल मिर्च आजकल बाजार में आ रही उसी मिर्च का बनाएंगे। इसको धो करके हमने धूप में रख दिया था। तो और लिए हमने 4 टमाटर काट लिए और हमने लिए 20 से 25 लहसुन की कलियाँ। तो इन तीनों को मिक्सी में डाल करके हम पहले पीस लेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच चीनी भी डाल देंगे, नमक डाल देंगे। अब इसको पीस लेंगे। इसको पीस लिया है, अब इसको एक पैन में कर देंगे, थोड़ा पानी डाल देंगे। अब इसको गैस पर रख करके थोड़ी देर के लिए उबाल लेंगे, नमक और डाल देंगे। इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे। तैयार होगी मोमोज चटनी। गैस बंद कर देंगे। मोमोज अच्छी तरह हो चुके हैं, देखिए चिपक नहीं रहे बिल्कुल भी। गैस बंद कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए हमने बना लिया था, अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब हम एक प्लेट पे इसको निकाल लेंगे। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं किसी गिलास से, कटोरी से, इस तरह से। इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी मायोनीज। अब डाल देंगे मोमो चटनी, हरे धनिया डाल देंगे कटे हुए थोड़े से, हरी मिर्च। ये तैयार है हमारे टेस्टी से मोमोज, बिल्कुल अलग तरीके से, देखिए। साथ में चटनी मोमोज की और मायो। चलिए झटपट बनाइए इसको आप।